हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि ओपन डाइस भी लेकर आऊंगा। आपको पता है डाइस, क्लोज डाइस तो मैंने पढ़ा दिया था बड़े तगड़े तरीके से। अगर आपने पढ़ लिया है तब तो ठीक है, और नहीं पढ़े होंगे तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए कहीं से पढ़िए, लेकिन एक बार पढ़िए, मजे से पढ़िए, फिर मजा आएगा। तो आज हमारा ओपन डाइस चलेगा जी। ओपन डाइस में क्या होगा? ओपन डाइस मतलब खुला डाइस, और बंद डाइस कैसा होता है? तो अगर आपको षष्ठभुज बनाने का थोड़ा भी लूर होगा तो षष्ठभुज बनाएं और वाई लिखे, ये हो गया जी क्लोज डाइस। आपको बताया था मैंने कि तीन सतह ही दिखेगा आपको किसी भी एक एंगल से। आप जिधर से देख रहे हैं उधर से तीन गो सतह आपको दिख रहा है, और इसके तीन सतह छुप गया है जी, वो आपको नहीं दिख रहा है। जैसे अगर मैं यहां चार लिख दू, यहां पांच लिख दू, यहां एक लिख दू, आप बताओ मुझे पांच के विपरीत उधर कौन है? ये तो ना दिख रहा है। चार के विपरीत नीचे में पेंदा में कौन है? ना दिख रहा है। एक के उधर अपोजिट में कौन है? वो ना दिख रहा है। तो दिख कौन रहा है? तीन गो सतह दिख रहा है। दिखता हमेशा तीन सतह है, और जो दिख रहा है उसके अपोजिट वाला नहीं दिखता है। जो दिख रहा है उसके अपोजिट वाला नहीं दिखता है। तो ये देखो, जब ओपन डाइस होगा, छह गो सतह है ना, कि छह सतह में ना आप समझ लो कि कौन किसके अपोजिट है, ये सीख लीजिए। तो अपोजिट होता है भैया एक छोर छोड़ के, अल्टरनेटली। जैसे ये सीधा लाइन में है, इसी को पकड़ लो, तीन को लोगे, चार को छोड़ोगे पांच का, यानी तीन के अपोजिट पांच होगा। यानी कोई भी डाइस में अगर तीन दिख रहा है तो पांच नहीं दिखना चाहिए। इससे अगर कोई बनेगा डाइस, छह सतह को मोड़ के एकदम सही से डाइस बना देंगे, तो अगर आपको तीन दिखे तो पांच न दिखेगा, पांच दिखे तो तीन न दिखेगा। अब रही बात इनका कि कौन चार का छह होगा? नहीं, दो का चार होगा? नहीं। देखो नजदीक वाला नहीं होगा, ये कोना कोनी दोनों का कोना सटल है, तो एक का यहां हो जाएगा चार और दो का हो जाएगा छह, क्योंकि दो से चलेंगे चार में, चार को गैप करके छह पर पहुंचेंगे, तो दो का छह हो गया। इसमें दो का कौन हो गया जी? छह हो गया। आपका एक का कौन हो गया? चार हो गया। एक का चार हो गया, सुन लीजिए। उसी तरीके से पांच का तीन हो गया, या तीन का पांच हो गया। ये हुआ एक दूसरे का इसमें अपोजिट। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, एक अपोजिट लेना है, एक के बाद तीन, दो के चार, दो के चार, क्योंकि तीन गैप हो गया, अब पांच का दो, पांच का छह हो गया। इसमें पांच का कौन हो गया? छह। पांच का छह, एक का तीन, दो का चार, ये अपोजिट हैं जी, समझ गए? उसी तरीके से कोई भी फिगर का आप कर सकते हो। इसमें ही देख लो, एक का छह हो गया, आपने एक का छह लिख दिया, दो का चार लिख दिया, दो का चार लिख दिया, और तीन का पांच हो गया, एक गैप हो गया ना बीच में, तीन का पांच हो गया, ये हो गया इसके अपोजिट। वो किसी में भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर लोगे, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। अब इसी में देख लो, चार का पांच ले लो, एक गैप में चार का कितना? पांच हो गया। अब क्या तीन का पांच होगा? ना, ये दोनों का कोना सट रहा है, नहीं होगा। दो का पांच होगा, दो से तीन में, तीन के बाद पांच में, तो दो का पांच हो गया है। चार का छह था यहां, चार का ये छह है, सॉरी चार का छह है, दो का पांच हो गया, तीन का एक हो गया, यानी एक का तीन, तीन का एक, समझ गए? अब इतने बात से आप सारा सवाल बना दीजिएगा। देखिए अभी सवाल, इस सवाल को देखने से पहले ये वाला सवाल देखिए, दो नंबर सवाल, मजा आएगा। ये दो नंबर सवाल की कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा उत्तराकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है? मतलब इसको मोड़ मार के कौन आकृति बनेगा? तो भैया जी एगो बात बताइए, दो के अपोजिट चार है, दो के अपोजिट कितना है? चार। छह का अपोजिट कौन है? तीन। छह का अपोजिट कौन है? तीन। तो अब बचा देखो, दो का चार, छह का तीन, अब जो ही बच गया एक के पांच हो गया, एक के कौन हो गया? पांच हो गया। दो से छह गैप किए चार पर, छह से गैप किए तीन, बड़ी लाइन में आ गया। सीधा लाइन को पहले एकदम अरेंज कर देना है, एक का पांच हो गया। अगर दो दिखे तो चार ना दिखना चाहिए, चार दिखे तो दो नहीं दिखना चाहिए इस फिगर में।
तीन दिखे तो छ ना छ दिखे तो तीन ना पांच दिखे तो एक ना एक दिखे तो पांच ना कोई एक के गो। अब जैसे यहां छ एक पांच है तो देखो छ एक पांच गड़बड़ा गया, एक भी दिखा पांच भी दिखा, एक लाइन में का जोड़ा में का दोनों नहीं दिखना चाहिए, एक पांच दोनों दिख दिए दिख गया कहता है मुड़कर बनाई जा सकती है ये नहीं बनेगा क्योंकि एक पांच दोनों दिख गया। पांच दो चार ऐसे पढ़िए, पांच दो चार ना दो चार दोनों नहीं दिखना चाहिए, दो चार दोनों नहीं दिखना चाहिए, नहीं हुआ नहीं बन सकता कृति। इसको देखिए एक छ चार, एक छ चार बनेगा, चार दिखा तो दो नहीं दिखा, अब देखो चार दिखा तो दो नहीं दिखा, छह दिखा तो छह के अपोजिट तीन, तीन नहीं दिख रहा है, एक दिखा तो पांच नहीं दिखना चाहिए, एक दिखा तो पांच नहीं दिखना चाहिए, सही है। मतलब क्या हुआ कि छह इसमें से आया, चार इसमें से आया और एक इसमें से आया, एक आया तो पांच नहीं ना आया, छह आया तो तीन नहीं ना है इसमें, दो आया तो चार दिखना नहीं चाहिए, यही हो गया आपका आंसर। इसको मोड़ोगे तो यही बनेगा, इसमें क्यों नहीं बनेगा, छह तीन दो, छह तीन दो, देखो छह और तीन दोनों आ गया, छह तीन दोनों, छह के अपोजिट उधर तीन रहना चाहिए, उधर रहना चाहिए, या तीन इधर रहता तो छह उधर रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, बगले में दिया दोनों अपोजिट वाला, छह और तीन दोनों अपोजिट होता है, इसमें बगले में दे दिया तो ये आकृति नहीं बनेगा, ऑप्शन तीन सही है। इतने से पांच समझ गए होंगे जी। अब देखिए, अब इसको देखिए, ये कहा कि कौन नहीं बनाया जा सकता, कौन नहीं बनाया जा सकता, तो बाकी सब बनाया जा सकता, कोई एगो होगा जो नहीं बनाया जा सकता, कौन नहीं बनेगा, तो प्लस दिखे तो ई वाला नहीं दिखना चाहिए, इस अष्टभुज के अंदर एगो वर्ग है, प्लस दिखे तो, प्लस दिखे तो ई वाला नहीं दिखा, अगर मुझे स्टार दिख गया तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए, चलो इसमें भी है तो ई तो बन सकता है, कहता है कि कौन नहीं बनेगा, तो ई तो स्टार दिखा तो ई नहीं दिखा तो ई बन सकता है, यह वाला दिखा है तो इसका अपोजिट यह है एक के अंतर पर, यह दिखा तो ये नहीं दिखा, ये बन सकता है, ये बन सकता है तो ये आंसर नहीं हुआ। कहता है आकृति में कौन घन से बनाया नहीं जा सकता, जिसमें अपोजिट वाला अगर आ जाए वो नहीं बनाया जा सकता, अपोजिट वाला दोनों आ जाए, जैसे प्लस आई दोनों आ गया किसी में तो वो आंसर नहीं होगा, वो नहीं बन सकता, प्लस और ये वाला, देखो प्लस और ये वाला दोनों आ गया ना, दोनों अपोजिट वाला बगल में कैसे आ सकता है, यही नहीं बन सकता है, हमारा आंसर ऑप्शन तीन हो गया जी, डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है। चलो कौन नहीं बन सकता, तो प्लस आई दोनों आ गया, प्लस आई दोनों आ गया तो नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये आकृति नहीं बनेगा, ठीक है, चाहे ये दोनों आ जाएगा तो भी आंसर नहीं होगा, तभी वो नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता वह आंसर होगा, बात है समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये भी समझ गए। अब इस सवाल को देखिए, कहता है कौन नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता तो अपोजिट वाला नहीं रहना चाहिए, इस लाइन को लेके अपोजिट कर लीजिए, ये गुना वाला और चार गो डॉट वाला अपोजिट है, ये दोनों अगर किसी में आया तो नहीं बन सकता, गुना या चार गो डॉट ये दोनों आ गया ये नहीं बन सकता, और कौन कौन तरीका हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये वाला, ये चार गो वर्ग है ना, ये वाला और ये वाला दोनों अगर एक साथ आया तो वो भी नहीं बन सकता, ये वाला और ये वाला ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा इसी में है। अच्छा ये देखो यहाँ गुना दिया हुआ है, गुना अलग चीज है तो ये बन सकता है, अगर मैं इसको चेक करूं तो कैसे होगा, देखो गुना आया तो चार गो डॉट नहीं आना चाहिए, गुना आया चार गो डॉट नहीं आना चाहिए, क्यों, गुना और ये चार गो डॉट एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट वाला सतह कैसे आएगा, गुना आया तो चार गो डॉट उधर होगा वो दिखेगा नहीं। अब देखो अगर ये वाला आ गया है सर्किल में प्लस, ये आ गया है तो आपको ये चार गो वर्ग नहीं आना चाहिए, सर्किल में प्लस आ गया तो चार गो वर्ग जो उसके पेंदे में होगा इसलिए नहीं दिखा, और यह आ गया है तो ये षष्ठभुज नहीं आना चाहिए, चतुर्भुज आ गया तो षष्ठभुज नहीं आना चाहिए, चतुर्भुज आ गया तो ये सब बन सकता है। सवाल कहा कौन नहीं बनेगा, वे ना बनेगा जिसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन बगल में आ गया, कहां आ गया, गुना आ चार गो डॉट वाला अपोजिट डायरेक्शन है, गुना चार गो डॉट बगल में कैसे आ गया, ये तो अपोजिट है, गुना ऊपर है तो चार गो डॉट पेंदा में रहना चाहिए, ये फिगर नहीं बनेगा। अच्छा नहीं बनेगा वही आंसर, नहीं वही आंसर हो जाएगा क्योंकि बोला कौन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये आंसर हो गया, बात समझ गए होंगे। सवाल को देखिए, क्या आप बना पाएंगे, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल बना देंगे। निम्न में से कौन सी घन सा दिए गए प्रश्न की आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता,
नहीं बनाया जा सकता। ई दुनो अगर आ गया तो नहीं बन सकता। खोजो, ये डबल सर्किल हैश, डबल सर्किल हैश आ गया, ये नहीं बनाया जा सकता है, आपका आंसर हो गया। यह नहीं बनेगा, बाकी बन सकता है। कैसे? देखो डबल सर्किल आया तो हैश नहीं है, क्योंकि हैश अपोजिट में होगा। अब गुना है तो षष्ठभुज, गुना है तो षष्ठभुज नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अपोजिट में ना दिखेगा, गुना के उधर है। अब ये अगर चतुर्भुज है तो चार डॉट वाला एक के गो कोई दिखना चाहिए, चतुर्भुज दिखा तो चार गो डॉट नहीं दिखा, तो ये तो बन ही सकता है। कहा कौन नहीं बनेगा, तो यह नहीं बनेगा, यही आपका आंसर हो गया। बाकी सब बन सकता है। बात आया समझ में? अब देखिए जरा, अब देखिए, तो अब ई वाला फिगर देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ई वाला फिगर देखिए दोस्तों, डब्बा बंद करिएगा ना, एक कार्टून है, कार्टून कार्टून है, ये चार तरफ से उसका दीवार बन जाएगा, कार्टून को बंद करेंगे और ऊपर में क्या आ जाएगा, ये दूगो सफेद वाला, ये दूगो पीला वाला आ जाएगा ना। देखो ऐसा, मतलब ऊपर का नक्शा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये दोनों पीला वाला सटेगा तो ऐसे ऐसे, और दोनों सफेद वाला सटेगा तो ऐसे ऐसे। लेकिन बी पेंदा में रहेगा, इक्वल टू ए के अपोजिट रहेगा, वाट का चिन्ह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह सी के अपोजिट रहेगा, और ये ऊपर जो बनेगा वो बी के अपोजिट रहेगा। बी पेंदा में तो ये सब छतरी ऊपर में, त्रिभुज त्रिभुज वाला, चार त्रिभुज मिलकर ऊपर बन जाएगा ऐसे। तो इसमें बी बगल में दिखा दिया, ये आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि वाट दिख रहा है, वाट एगो पीला सतह अलग से ला दिया, इसमें प्लेन पीला सतह कहीं नहीं था, इसमें ये आंसर नहीं होगा। अभी दोनों में देखते हैं। अब ए के अपोजिट बराबर होता है, ए के बगल में बराबर दे दिया तो ये आंसर नहीं होगा, ई वाला होगा। क्यों? क्योंकि बी अगर पेंदा में है और चार गो त्रिभुज बन के ऊपर में आएगा, जैसे ऐसा फिगर होगा तो बी दिखेगा तो चारों त्रिभुज वाला नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा, अपोजिट वाला नहीं दिखा। सी दिखे तो वाट ना दिखेगा, वाट दिखे तो सी ना दिखेगा। अब देखिए यहां पर वाट दिख रहा है तो सी नहीं दिख रहा है, तो यहां देखिए क्या सी दिखा तो वाट नहीं दिखा, है ना? सही है, ऑप्शन चार सही है, सी दिखा तो वाट नहीं दिखा, बी दिखा तो त्रिभुज वाला नहीं दिखा, और ए दिखा तो बराबर नहीं दिखा, बिल्कुल ऑप्शन चार सही है। ऐसे अब सारे सवाल आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि न बनेगा, तो ये सब आप अपने बना लीजिएगा। अब जैसे चलो मैं एक सवाल और देख ही लेता हूं, इसमें क्या होगा, इसमें आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, एक एक छोड़ के। इसका मतलब कि हर फिगर में दो पीला में से एक पीला पीला तो पक्का दिखेगा, इस सर्किल वाला छोड़ के एक पीला तो पक्का दिखना चाहिए, एक पीला सर्किल वाला छोड़ के, एक पीला दोनों प्लेन पीला में से एक पीला तो जरूर आना चाहिए, दो अपोजिट सतह में से एक सतह आपको पक्का दिखेगा, उसके अपोजिट वाला छूट जाएगा। ये दुगो आंसर नहीं हुआ इसमें। चलिए दो पीला के बदले एक पीला आ गया, और इसको ना थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन में किया है रंगने में, इसको चलो ब्लैक सर्किल से कर दिए जेना ऑप्शन में है। जैसे अब देखो एक पीला, दोनों पीला के बदले एक पीला आ गया, अगर ये वाला आया है तो व्हाइट एक के गो आना चाहिए। अब देखो ये वाला आ गया है तो व्हाइट जो है नहीं आया, इसके बदले एक व्हाइट है तो ये आया तो व्हाइट उसके अपोजिट में होगा। ये दोनों व्हाइट में से कोई एक के गो ना आएगा, ये दोनों व्हाइट में से एक के गो ना आएगा तो एक के गो व्हाइट आया, ऑप्शन तीन सही है, ऑप्शन तीन सही है। कहिएगा सर ई का है गलत है, इसलिए गलत है कि देखो इसके और इसके बदले, इसके और इसके बदले तो एक गो आया तो ई नहीं आया, और दो गो पीला में से एक के गो पीला रहना चाहिए था, यहां दिखना चाहिए था सामने में बगल में, यहां गलती हो गया कि दोनों पीला आ गया, इसलिए गलत है, ऑप्शन तीन आपका सही हो गया। इस तरह के सारे सवाल आप बना लेंगे। अब मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, अब हम आ जाएंगे डायरेक्ट ई वाला सवाल में, ठीक है? इस वाले सवाल को देख लीजिए, इसमें क्या कहेगा डाइस में, ये गिनने के लिए उपयुक्ताकृति में कितने घन है। आप देख लीजिए ये मंदिर ऐसे बना देगा, इसमें ऐसे होगा कि जितना बेस में होगा एक दो तीन चार, उतना ही ऊपर की तरफ जाओगे तो एक दो तीन चार, ऐसे ही हो जी सकता है, तभी ऐसा गुंबज बनेगा। आपको क्या करना है, एक दो तीन चार तक था लिख दिया, और फिर नीचे से एक दो तीन चार लिख दिए, आपस में कर दीजिए सबको गुना, चार एक कम चार, तीन दूना छ, तीन दूना छ, चार एक कम चार, जोड़ दीजिए चार छ दस, और फिर छ चार दस, दस आ दस कितना बीस, आपका आंसर बीस हो गया।
इसमें 20 गो जो होगा घन होगा, 20 गो घन होगा, ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। ये हो गया जी, इतना सिंपल है, इतना सिंपल दुनिया में कोई कामे नहीं हुआ। अब इसमें क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 तक गया, आप यहां लिखिए 1 2 3 4 5 6, यहां से लिखिए 1 2 3 4 5 6, गुना करिए आपस में, गुना करिए आपस में, आइए 6 1 6 5 2 10 4 3 12 4 3 12 5 2 10 6 1 6। दोस्तों देखिए 6 और 10 16 16 12 कितना 28, इधर भी 28 हो गया, 28 28 कितना 56, 28 28 आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, 56 हो जाएगा आपका आंसर, 56 ऑप्शन 4 हो गया। तो अब मुझे आप बताएंगे एक सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और वीडियो कैसा लगा बताना है कमेंट करके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।